भाई ये कंटेस्टेंट नहीं लड़ रहे हैं इस बार, सिर्फ गैंग लीडर्स भाई और प्रिंस। ओए होए 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 भाई, इस बार तो ना फटी गौतम की। जैसे प्रिंस आगे आगे चले ना, गौतम पीछे पीछे को हो जाए। और मैं पूरी लड़ाई का कारण आपको बता देता हूँ। रिया के बारे में, गौतम के बारे में अभी नहीं लिखा भाई प्रिंस, जिन लोगों को लगता ना कि अभी भी चल रहा है भाई। रोडीज खत्म हो गया, ये अपने घर पे आ गए हैं। खत्म हुए शो को वैसे तो 3 महीने हो गए, और कमाल की बात है शो के विनर भी बन चुके हैं बासो, जो कि रिया की गैंग से है। सब कुछ हो चुका। ये उन दिनों की बात है जब शो चल रहा था, तो प्रिंस ने कुछ लिखा था अबाउट गौतम एंड रिया स्टोरी, और स्टोरी कुछ घंटे के लिए थी, बाद में डिलीट भी करते गई थी। और उसके ऊपर भाई साहब चढ़ गए गौतम, और भाई गौतम ने यही दिया कि भाई मैं गड्ढा खोद भी सकता हूँ, उसमें तेरे को गाड़ भी सकता हूँ। और उसके बाद जो भाई चले हैं, उसके बाद जो प्रिंस ने भाई साहब लगाया आगे डंडा भाई। एक बात हूँ, आई यूज टू रिस्पेक्ट गौतम, लेकिन भाई स्लोली एंड ग्रेजुअली इस आदमी ने अपनी इज्जत खुद खो दी है ना। आई हेट हिम बिकॉज जैसा ये आदमी बन चुका है भाई, समझ में नहीं आ रहा किस मिट्टी का बना है। साला नीचे नीचे करता है उंगली, और उसके बाद फिर रोने लग जाता है कि देखो सर ये मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला। अब देखते हैं भाई क्या रहता है बाकी। भाई प्रिंस प्राउड ऑफ यू, यू ऑलवेज टेक स्टैंड, और इस बार आपने स्टैंड लेके दे भी दिया किसी के पिछवाड़े में। मजा आया।